हेलो हरप्रीत ढिंडा जी वेलकम है तो अब हमें पढ़ने हैं अगस्टिन एज के फाइनली जोनाथन स्विफ्ट कंपैरेटिवली इस एज में जितने भी अभी तक हम राइटर्स पढ़ते आए हैं उनका बैकग्राउंड अभी तक मोस्टली जो था जो सेटिंग जिसकी वो लिखते थे या जिसके बारे में वो रहे या जिसके बारे में वो बात करते थे राइटिंग्स में तो इंग्लैंड और लंडन की ज़्यादा मिली है लेकिन गुड मॉर्निंग मनवीर जी सुखबीर जी वेलकम है लेकिन इनके बारे में सबसे तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये डबलिन एरिया से बिलोंग करते थे यानी कि डबलिंग एक जगह है आयरलैंड में तो कभी कभार राइटर की नेशनैलिटी के बारे में भी पूछ लेता है ये सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जब कोई एक्सेप्शनल केस हो जैसे इस एज में जब हमने पोप को पढ़ा तो पोप का क्या था कि इंग्लैंड और लंडन से लेना देना था तो उसके अलावा कभी वो कहीं विजिट ज़्यादा करते नहीं थे ठीक है शैली का है तो शैली कहाँ से थे कि बहुत एक अच्छा टाइम उन्होंने इंग्लैंड में बिताया देन इटली में बिताया तो इनके बारे में पहली चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये कि इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ से बिलोंग करते थे तो ये आयरलैंड से थे तो जब कहते हैं ना इनका नेशन तो बाय नेशनैलिटी ही वॉज़ एन आयरिश कैसे याद करेंगे वैसे तो उनका एक वर्क भी है मॉडेस्ट प्रपोजल जो इन्होंने ऐसे लिखा है आयरलैंड की सिचुएशन के बारे में लिखा है हेलो यादलिंग जी सुनीता जी तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैं लिख देती हूँ वैसे में पहला पॉइंट जो याद रखना है कल मुझसे किसी ने पूछा था एग्जैक्ट तो मुझे नाम ध्यान नहीं है बट कल ही की क्लास में किसी ने पूछा था जब हम डिस्कस कर रहे थे पोप क्योंकि पोप का जो बर्थ ईयर था वो एट था कि बहुत सारी बुक्स में क्या होता है स्विफ्ट को पहले नहीं दिखाया जाता बाद में दिखाया जाता है तो उसके दो रीज़न थे पहला कि डिपेंड करता है किस तरीके के वर्क को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं तो एज ऑफ पोप कही जाती है ना तो काफ़ी सारी बुक्स में अलेक्ज़ेंडर पोप को पहले रखा जाता है क्योंकि उनसे इस एज का नाम आया था दूसरी बात जितनी भी ये बुक्स फ्रेम की जाती हैं सेवेंटी परसेंट जो क्राइटेरिया होता है जब पेपर पब्लिश होता है तो एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है तीसरी चीज़ कि हाँ स्विफ्ट बाय बर्थ पहले थे और कोप बाद में थे प्रीत जी गुड आफ्टरनून हेलो मीनू जी हेलो हरप्रीत कौर जी तो अब डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं ठीक है पहली चीज कि बाय नेशनैलिटी आयरलैंड से थे यानी कि आयरिश थे आयरिश कहे जाएंगे डबलिन जगह है जहां से बिलोंग करते हैं सेकंड जो चीज हमें याद रखनी है वो ये कि ज फादर डाइड वैन ही वॉज नॉट बॉर्न तो इनकी इस दुनिया में से आने से पहले ही इनके फादर जो हैं वो चले गए थे तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट था ना जो फादर के प्लेस पर मिलना चाहिए था वो इनके एक अंकल हुआ करते थे सर टैंपल सर विलियम टेम्पल इनका पूरा नाम था तो फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिला वो इनसे मिला इनको तो इनकी पढ़ाई लिखाई का जितना भी यूनिवर्सिटी का स्कूल का खर्चा था इनके ऊपर जितना भी पैसा लगा या जितनी भी लर्निंग इनको मिली वो सर टेम्पल की वजह से मिली इनकी राइटिंग्स में यानी कि जोनाथन स्विफ्ट की राइटिंग में सर टेम्पल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था प्लस ये इनके पैट्रॉन भी थे पैट्रॉन का मतलब मैंने किसी क्लास में डिस्कस किया था पैट्रॉन वो पर्सन होता है जो आपके जो आप लिखते हो ना उस पर पैसा लगाता है मतलब आपके लिए एडिटिंग का काम करवाएगा ठीक है बेसिकली क्या होता है एडिटर को हायर करेगा फिर उसको पास करवाएगा देन पब्लिश का जितना भी पैसा लगेगा वो करवाएगा तो ही वर्कड इन बोथ टर्म्स पहला फादर के जैसा सपोर्ट किया दूसरा पैट्रॉन भी थे हेलो नीलम जी हाँ जी हाँ जी नीलम जी सेक्रेटरी पैट्रॉन को वही बोलते हैं ठीक है हेलो रेनू जी अब एक और चीज इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंबॉलिक रही वो ये कि ये जहाँ रहते थे सर टेम्पल वहां पे इनकी एक सिस्टर थी विडो थी वो और उनकी यानी कि टेम्पल की सिस्टर की डॉटर उसका नाम था एस्थर जॉनसन एज जो आपको मिलेगी कि जब ये सर टेम्पल के पास गए थे जोनाथन स्विफ्ट तो इनकी जो एज थी वो कुल 18 ईयर्स थी ठीक है तो स्विफ्ट क्या थे इनसे एज में बड़े थे एज के बारे में तो कहीं मेंशन नहीं मिलेगा जहां जहां मिलेगा ना इनकी एज का जो भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो इनकी एज का मिलेगा एस्थर जॉनसन तो इनको स्विफ्ट ने एज स्टेला दिखाया है अपनी राइटिंग में ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप थी प्लस सीक्रेटली बोथ गॉट मैरिड ये बात किसी को पता नहीं थी ठीक है हाँ जी रेनू जी तो स्टेला करके रेफरेंस मिलेगी एक और चीज़ मैं कहूँगी पर्सनली जब ऐसे कुछ रिलेशन्स आते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन की हमें रेफरेंस मिलती है ना तो जैसे भी जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं आप भी इनको ऐसे ही बना लिया करो और इनको हाईलाइट कर लिया करो क्योंकि बहुत बार इन पे से क्वेश्चन पूछता है और ये कह देता है कि स्टेला नाम का पर्सन ये स्टेला जो है सिंगल इन्वाइटेड कॉमा में आपको दे देगा ऐसे और पूछेगा बताओ कि ये किसकी राइटिंग में देखने को मिलता है हेलो संदीप जी गुड आफ्टरनून ठीक है तो एस्थर जॉनसन स्टेला थी नाम इनको इन्होंने दिया है इनफैक्ट जर्नल भी लिखा है इनके नाम पे ठीक है ये अभी स्टोरी जैसे अभी आगे मैं बता रही हूँ विद वर्क्स आपको बता दूंगी सर टेंपल की भी रेफरेंस मिलती है तो स्टेला करके ये हमें मिल जाती हैं इनकी राइटिंग्स में नेक्स्ट जो चीज हमें ध्यान रखनी है इन्होंने एक पॉलिटिकल पैम्फलेट लिखा था बहुत ही उसका ब्रॉड नाम है पैम्फ्लेट लिखा था इस पैम्फलेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो आपका नाम देगा हां जी रेणु जी हेलो अनुभव जी गुड आफ्टरनून जो आपको पैम्फलेट का नाम देगा ना ऐसा हो सकता है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दे या फिर आधा लिख कर कुछ जो वर्ड्स हैं वो एज एन ऑप्शन दे दे तो ये 1701 में आया था इसका नाम मैं पूरा लिख देती हूँ ए डिस्कोर्स ऑन दी ये इसके पैम्फलेट का नाम है कॉन्टेस्ट एंड डिजर्शंस इन एथेंस एंड रोम एथेंस ग्रीक में हो गया ठीक है इसकी बात करता है ये कि पूरा जो पॉलिटिकल पैम्फलेट था सबसे पहली बात पॉलिटिकल पैम्फलेट था तो इसे ना ही हम रेडिकल कह सकते हैं ना ही हम इसे कुछ और कह सकते हैं ठीक है हाँ जी प्रीत गिल जी जो जर्नल टू स्टेला था ना उसकी भी बात करेंगे अभी एक और जगह जब उनकी डेथ हो जाती है स्टेला की उस टाइम भी इन्होंने लिखा था मिसेस जॉनसन करके रेफर किया था कि डेथ हो गई है मिसेस जॉनसन की ठीक है ऑल दो शी वॉज नॉट मैरिड लेकिन जॉनसन उनका सरनेम था और मिसेज इसलिए कहा था बिकॉज स्विफ्ट को उन्होंने पर्सनली रिलेशनशिप के लिए प्रपोज किया था तो उन्होंने जो स्विफ्ट ने उस टाइम डिनाई कर दिया था तो बहुत जगह ये रेफरेंस है पॉलिटिकल पैम्फलेट है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में एक और जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है सिर्फ इनके बारे में वो ये कि बहुत छोटी एज में यानी कि वन ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड चाइल्डहुड की बात कर रहा है कि चाइल्डहुड में इनको फीवर आ गया था हाई फीवर पहले भी हम मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर जाने तो हमें पता चलता है कि हाई फ़ीवर का कोई ऐसा टैबलेट मतलब आज तो हम ले लेते हैं ना और कोई ऐसा प्रॉपर चीज़ों का वैक्सीनेशन नहीं होता था जो मेडिकल टर्म्स में जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही कम थी तो हाई फीवर हो जाने की वजह से इनको इन्फेक्शन हो गया था कहते हैं ना दिमाग दिमागी बुखार ठीक है उसके लिए भी एक मेडिकल फील्ड में एक टर्म यूज़ की जाती है तो हाई फीवर की वजह से ही गॉट इन्फेक्शन तो ईयर इनका यानी कि जो कान था वो इन्फेक्शन हो गया था इन्फेक्टेड हो गया था उसके बाद ब्रेन की क्योंकि क्या चीज़ें होती हैं ब्रेन से हर एक नर्व जो है वो कनेक्ट होती है तो ब्रेन का कुछ पार्ट यानी कि कुछ जो नर्व्स थी वो डैमेज हो गई थी ठीक है तो ब्रेन डिसीज करके कहीं कहीं आपको टर्म मिल जाएगी तो वो कहां से शुरू हुआ था वो चाइल्डहुड डेज से ही हुआ था और ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल इनकी लाइफ में रहा कि इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस तक की प्रॉब्लम रही तो फिजिकल टर्म्स पे क्या था कि मेडिकली भी इनको जो है ट्रीटमेंट प्रॉपर उस टाइम नहीं मिल पाया तो इनका जो लॉस था ना मेमोरी लॉस कि किसी से मिल रहे हैं देन भूल गए किसी से कुछ बात कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं देन फॉर तो ये चीजें इनके साथ रही ये बहुत ज़्यादा इशू रहा इनके साथ ठीक है रीजन मैंने आपको बता दिया कि चाइल्डहुड से से ये प्रॉब्लम चल रही थी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से फिफ्थ जो चीज़ है सेवनटीन टेन में इससे पहले वाले ईयर का तो सेवनटीन जीरो वन था ना जब इनका ये आया था पॉलिटिकल पैम्फलेट बहुत बार मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बताया है शायद फोर्थ या फिफ्थ ऑनलाइन लेक्चर होगा कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स या पोइट्स आपको मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट के साथ स्विच करते थे मतलब अगर कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी आई है तो क्या करते थे अपना रिलीजन अपना जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का उसके अकॉर्डिंग कर लेते थे तो आप उनको ये कह सकते हैं जैसे आज हम देखते हैं ना कि पहले क्या थे अर्लियर वन पर्सन वॉज सपोर्टिंग दैट पार्टी नाउ दैट पर्सन इज सपोर्टिंग अनदर पार्टी तो ये जो सिस्टम है ना ये आज भी चलता है ये उस टाइम भी चलता था एंड जोनाथन स्विफ्ट वाज वन ऑफ दोज ये उनमें से थे तो 1710 में ही बिकेम अ टोरी टोरी बन गए थे क्योंकि टोरी गवर्नमेंट आ गई थी ठीक है तो ये टोरी बन गए थे अब जिन लोगों को नहीं पता कि टोरी और विग क्या होते हैं तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ दो पार्टीज की आइडियोलॉजी है बेसिकली ठीक है टोरी कौन लोग होते हैं जो पुरानी आइडियोलॉजी को मानते हैं यानी कि ये एक स्टेबल चीज को सपोर्ट करते हैं चाहे वो रिलीजन हो चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो बेसिक जो आपको आइडिया मिलेगा वो मिलेगा स्टेबल सोशल ऑर्डर कि बहुत ज्यादा ना स्विच नहीं करते कि अभी ये लीडर है तो उसके साथ चले गए दूसरा लीडर है तो उसके साथ चले गए ठीक है और दूसरी चीज के बारे में क्या मिलेगी ये पहला कि ये सोशल ऑर्डर की बात करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं यानी कि रिजिड हैं टाइम टू टाइम चीज़ों के साथ चेंज नहीं होते ठीक है एक ही तरीके की रूल रखते हैं दूसरा कि ये जो है ये कंजर्वेटिव कहे जाते हैं आसानी से जो लोग चेंज नहीं होते ठीक है अपनी ही वैल्यूज के साथ खुश हैं जरा सा भी टाइम के साथ मॉडिफिकेशन नहीं चाहते तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को सपोर्ट करते थे ठीक है तो ये तो हो गई टोरी की बात अब इनको जो ऑपोजिट थे वो क्या थे अभी आप समझ जाओ अगर ये स्टेबल ऑर्डर की सोशल ऑर्डर की बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो शायद चेंज की बात करते होंगे ठीक है इनकी जो आइडियोलॉजी है एक्सट्रीमली ऑपोजिट उनको कह सकते हैं हाँ जी रेनू जी विघ जो थी वो लिबरल पार्टी थी ठीक है तो ये तो हो गए हमारे जो टोरी थे कि स्टेबल सोशल ऑर्डर और कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल हम इनको कह सकते हैं विघ का क्या था कि ये लिबरल थे ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट ठीक है तो लिबरल पार्टी कही जाती है दूसरा ये जो थे ये एक्सपेंशन पे ज़्यादा जोर देते थे एक्सपेंशन कैसा साइंस के टर्म पे ठीक है ये अगर रिलीजन की बात करते थे तो ये साइंस की बात करते थे तो एक्सपेंशन कैसा जिसमें कि मॉडर्निटी हो मनी भी हो प्लस स्विच कर सके आप चीजें ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आई गेस क्लियर हो गया होगा जिसको नहीं भी पता होगा कि टोरी क्या थे ये और विग लिबरल थे बेसिकली तो 1710 में जब ये टोरी बन गए उससे पहले अर्लियर ही वो सपोर्टिंग द विग पार्टी विग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे ठीक है अब ये दूसरी लोगों में आ गए मतलब टोरी में आ गए तो क्या था बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे झेला एक इन्होंने अपना जर्नल निकाला था द एग्जामिनर अब आप कहोगे कि इसका नाम सुना हुआ है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सेम नाम की चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी अगर लेह हंट का ये जर्नल था तो ये रेडिकल था उनके लिए उनका जो टाइमलाइन था वो 1800 के बाद था ये महज चार साल रहा सेवनटीन टेन से लेकर फोर्टीन तक चार साल ही आया बस तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि द एग्जामिन वहां पे जो था वो रेडिकल जर्नल था जब मैंने ले हंट की वीडियो में डिस्कस किया था मैं आपको फिर से बता रही हूं कि जब ले हंट ने काम किया था वो सेम ही नाम था लेकिन वो जर्नल था ये यहां पे न्यूज़ पेपर था आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब मैं लिख देती हूँ इसको ये यह यहां पे जर्नल नहीं था ये यह यहां पे न्यूज़पेपर था चार ही साल रहा इसको जो एडिट करते थे इट वॉज ओनली एडिटेड बाय स्विफ्ट ठीक है तो इस न्यूज पेपर पे जिस पर्सन ने एडिटिंग का काम किया वो जोनाथन स्विफ्ट थे 1710 की बात है ये कि जब इन्होंने स्विच किया ना तो ये जो एग्जामिनर न्यूज पेपर था क्योंकि गवर्नमेंट उनके हाथ में थी न्यूज पेपर उनके हाथ में था आजकल के टाइम में अगर किसी पार्टी के पास ठीक है अपनी मैगजीन हो अपना न्यूज़पेपर हो क्योंकि कुछ स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे इंडिविजुअल न्यूज़पेपर भी निकलता है उस स्टेट के लिए ठीक है एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर है उसका ही अपना पॉलिटिकल न्यूज़ भी है तो द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे आर फेसिंग दे आर रियलाइजिंग दे यूज़ टू पब्लिश इन दैट ओनली ठीक है तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसको पढ़ती हुई थी तो स्विफ्ट की जो अपनी आइडियोलॉजी थी एज अ टोरी अबाउट द गवर्नमेंट वो लिखते थे साथ में क्रिटिसिज्म क्या था नियर बाय 1714 के आसपास मतलब 1704 में लिखा था वैसे तो इन्होंने एक वर्क टेल ऑफ टब अभी डिस्कस करती हूँ उसके बारे में इस टाइम के आसपास जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे ना उनमें से क्वीन एनी भी एक थी क्वीन एनी कहते हैं ना बहुत ही माइन्यूटली वो स्विफ्ट के ऊपर नज़र रखती थी खुद तो नहीं रख पाएंगी क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे वो स्विफ्ट को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे उसका रीज़न ये था कि क्या था कि ये पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्विच करता था कभी विग है कभी टोरी है नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आई तो बाय द टाइम ही बिकेम विग अगेन तो क्वीन एनी ने इन्होंने जब टारगेट किया ना बैटल ऑफ बुक्स में रिलीजन को टेल ऑफ टब में रिलीजन को तो क्वीन एनी ने ये कहा था कि मैं इस पर स्टे लगवाऊंगी ठीक है तो ये इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉलिटिकल जो प्रेशर कहते हैं ना ये क्रिएट करने की स्विफ्ट में कोशिश की गई थी हेलो रिचु जी तो पांच पॉइंट्स डिस्कस किए मैंने आपके साथ अब डिस्कस करती हूँ एक कल का थोड़ा सा रिकेपिचुलेशन है इसमें कल जब मैंने पोप की क्लास में डिस्कस किया था कि 1713 में ही फॉर्मड अ लिटररी ग्रुप स्क्राइबिलस स्क्राइबिलर्स ठीक है इसमें पांच लोग आते थे फर्स्ट पोप यहां पे स्विफ्ट हैं तो जोनाथन स्विफ्ट थॉमस पारनेल डॉक्टर आर्बर्ट नॉट जो कि राइटर भी थे फिजिशियन भी थे और ये हमें पोप की राइटिंग्स में देखने को मिलते हैं एपिस्टल टू आर्बर्ट नॉट करके उन्होंने लिखा भी है जो नेक्स्ट पर्सन हमारे पास रह गए हैं वो है जॉन John... गे ठीक है तो ये फिर से कल वाली क्लास का रिकेप्युचलेशन है कि 1713 में ये एक ग्रुप का पार्ट बने मतलब टोरी अलग से थे पॉलिटिकल इनका न्यूज़पेपर अलग से निकल रहा था तो उस टाइम चार लोगों के साथ अपने अलावा पोप पारनेल आर्बर्ट नॉड और जॉन गे इन लोगों के साथ इन्होंने लिटरेरी ग्रुप बनाया अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पोप पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन बनता है आपको ऑप्शन दे देगा एमसीक्यू में और पूछ लेगा बताओ इसमें से कौन था या कौन नहीं था तो ये पांच नाम आपको याद रखने पड़ेंगे सेम केस स्विफ्ट के साथ भी है अगर क्वेश्चन स्विफ्ट पे बनता है तो ग्रुप का नाम भी पूछा जा सकता है जो कि था स्क्राइबलरस या फिर कौन मेंबर था और कौन नहीं था ये भी पूछ सकता है तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखना सेवंथ चीज जो मुझे इनके बारे में बतानी है पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूं मैं अभी ठीक है रेफरेंस में इनकी बाद में फिर से आपको बताऊंगी लेकिन वो विधवर्क होगा सेवन जो चीज है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है पर्सनल लाइफ के बारे में ये है कि जिनके अभी मैंने बात की ना कि सर विलियम टेम्पल जो कि इनके फादर की जगह इनको सपोर्ट कर रहे थे अंकल थे तो उनकी सिस्टर जो विडो थी उनकी डॉटर के साथ इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी जिसका नाम था एस्थर जॉनसन जो कि इनकी राइटिंग में आज स्टेला मिलती हैं ऐसे हमें रेफरेंस मिलती है बहुत सारी जगह कि सीक्रेट मैरिज इन्होंने की थी लेकिन उससे पहले हमें ये बताया गया है मतलब बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा है कि ये कहा जाता है कि इन्होंने ना मतलब स्टेला ने यानी कि ईस्थर जॉनसन ने खुद इनको प्रपोज किया था फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और ये बात थी शायद 1716 अराउंड की ठीक है लेकिन रफ आइडिया ये है कहीं आपको फिक्स इसका मिलेगा नहीं फाइव ईयर्स अब जब ये चली गई ना शी डाइड इन द ईयर मतलब 1713 ये जो पर्सन है यानी कि एस्थर जॉनसन 1723 से पहले ऐसा लिखा गया है कि फाइव ईयर्स अगो यानी कि अब आप पाँच साल घटा के अगर बात करो तो सेवनटीन एटीन या 19 के ऑनवर्ड्स इन्होंने खुद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए स्विफ्ट को बोला था बट स्विफ्ट एट दैट टाइम ही डिनाइड कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं बिकॉज पॉलिटिकल टर्म्स पे भी ही वॉज बैटलिंग ठीक है और पर्सनल जो मेंटल लेवल उनकी जो mental health थी जो मेंटल हेल्थ थी दैट वॉज ऑल्सो इन नॉट इन हिज फेवर तो हो सकता है रीजन से मना कर दिया हो बट जब 1723 में एस्टेला फाइनली शी मूव्ड एंड शी डाइड तब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ था इसलिए आप उनकी राइटिंग में देख लोगे एस्टेला की प्रेजेंस और क्या है कि ऐसा कहा जाता है जब स्विफ्ट की डेथ हुई 1745 में तो सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल ये एक जगह है तो जो कैथेड्रल में इनको बरड किया गया था ईस्थर जॉनसन को सेम जगह जस्ट पैरलर स्विफ्ट को भी किया गया था ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानना मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं मैं उनको इस तरीके से बताऊं कि आप जब वर्क पढ़ें तो वो चीज़ मिस ना हो अगर कोई राइटर नहीं इंपॉर्टेंट था उस लेवल से जैसे अभी मैंने लास्ट जो जस्ट ग्यारह बजे की क्लास ली रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर जो कि विक्टोरियन पोएट थे उनके बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया उसका रीज़न यही था मैंने पोप के बारे में भी नहीं किया बिकॉज उनके साथ ऐसे कुछ इश्यूज़ नहीं थे मैंने टेनिसन को डिस्कस किया था अभी रिसेंटली जो हम मॉर्निंग के सेशन में मिल रहे हैं इनको भी डिस्कस किया ताकि आप अगर कहीं से भी पढ़ें तो यू विल गेट अ फेयर इनअ आइडिया कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है और आप राइटिंग्स में जब वो झलक देखेंगे ना उनकी प्रेजेंस देखेंगे तो वो चीज़ फिर से आपको बेनिफिट देंगी एक तरीके से आप पढ़ते हैं इनके वर्क चार से पाँच ही वर्क पढ़ने हैं बट जितने पढ़ने हैं लिखा तो इन्होंने बहुत सारा है बट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नाम से तो हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं ठीक है गुलीवर ट्रैवल्स की आप बात कर लो गुलीवर भी बोलते हैं उसको और उस पर हिंदी मूवीज भी बनी हैं और मोडेस्ट प्रपोजल कहीं ना कहीं हमने नाम पढ़ा है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में बताया भी जाता है बैटल ऑफ बुक्स के बारे में जानते हैं टेल ऑफ टब के बारे में जानते हैं ठीक है तो कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका ले लेते हैं पहला जो वर्क हमें इनका डिस्कस करना है क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ सेवनटीन ज़ीरो फोर इससे पहले इनका सेवनटीन जीरो वन में पॉलिटिकल पैम्फलेट आया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया इन एथेंस एंड रोम करके जो था बड़ा ही उसका लेंदी सा नाम था पहला हो गया द बैटल ऑफ बुक्स द बैटल ऑफ द बुक्स ठीक है मॉक हीरोइक मैनर में लिखा है दूसरा जो इनके पैटर्न थे ना जो इनके अंकल थे सर विलियम टेम्पल उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया था दरअसल जब विग और टोरी का कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स में चल रहा था तो उनसे ये होता ना कि पूछा गया था अब टोरी क्या करते थे टोरी जो थे वो एंशियंट को सपोर्ट करते थे विग जो है मैंने अभी आपको बताया कि चेंज को यानी कि एक्सपेंशन को सपोर्ट करते थे तो हम मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं कि जो टोरी थे और जो विघ थे यानी कि टोरी जो थे वो एंशियंट को सपोर्ट करते थे और जो विघ थे देवर सपोर्टिंग द मॉडर्न ठीक है एंशियंट मतलब एंशियंट आइडियोलॉजी एंशियंट कल्चर एंशियंट ट्रेडिशन मॉडर्न मतलब जो अपकमिंग ग्रोथ चल रही है ठीक है उसमें करप्शन भी एक मुद्दा है वैसे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो एक डिबेट में क्या हुआ था कि सर टेम्पल ने अपना स्टैंड लिया था एंड ही सपोर्टेड एंशियंट्स अब दिक्कत क्या हुई कि सर टेम्पल ने एक स्पीच दी किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो गए देन अपने आइडियाज़ को उन्होंने रखा एंशियंट के फेवर में कहा ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि ही वॉज अगेंस्ट द मॉडर्नस बट ज्यादा जिसको फेवर किया ना उन्होंने वो एंशियंट थी तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उन्हें झेलने को मिला इस टाइम पर हाँ जी नीलम जी तो जब क्रिटिसिज्म झेलने को मिला ठीक है और किसके अगेंस्ट इन्होंने बोला था रेफरेंस मिलती है हमें चार्ल्स बॉयले ठीक है चार्ल्स बॉयले उस टाइम मॉडर्निस्ट को सपोर्ट कर रहे थे तो इन्होंने सर विलियम टेम्पल ने चार्ल्स बॉयले को टारगेट करके यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो लोगों को पार्टी से खड़ा कर दिया अब स्पीच एक जना दे रहा है दूसरा उस पर डिबेट कर रहा है तो चार्ल्स बॉयले को क्रिटिसाइज किया एक तरीके से हाँ जी हरप्रीत जी अभी बता रही हूँ प्रीत जी हाँ जी तो सर टेम्पल को दो लोगों ने और क्रिटिसाइज किया था एक थे बेंटले एक थे वेटोन ठीक है दो लोगों ने इनको और क्रिटिसाइज किया तो क्या थे एक थे बेंटले दरअसल ये जो दो लोग थे ना ये चार्ल्स के सपोर्ट में थे चार्ल्स बॉयले के तो इन्होंने अलग से क्रिटिसाइज किया फिर होता है ना कि एक लीडर कुछ कह रहा है एक पर्सन एक से भिड़ गया देन किसी एक के जो फॉलोअर थे वो दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी अक्सर यही होता है तो हम समझ सकते हैं इस चीज को तो बेंटले और वॉटन ने क्या किया सर टेम्पल को टारगेट बनाया इसके ऊपर फिर स्विफ्ट ने क्या किया अपना ये जो वर्क था द बैटल ऑफ द बुक्स इसको लिखा अब इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पैट्रॉन को बचाने के लिए लिखा था फर्स्ट जो इंसिडेंट इसमें इसने बताया है वो ये है कि सेंट जेम्स सेंट जेम्स की लाइब्रेरी है ठीक है दो इंसिडेंट है इसमें बेसिकली जो आप बता रहे हो ना ये बीज एंड स्पाइडर वाला ये भी है पहला इंसिडेंट जो है वो ये है फर्स्ट इंसिडेंट द बैटल ऑफ द बुक्स की बात कर रही हूँ मैं कब आया था ये 1704 में फर्स्ट इंसिडेंट है कि सेंट जेम्स लाइब्रेरी है मतलब सेंट जेम्स की अपनी लाइब्रेरी है इसके कॉर्नर में जो बुक्स है ना वो लड़ रही हैं अब क्या है मैंने किसी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था बुक्स नहीं लड़ रही हैं ये एलिग्री है कि आपको ये बता रहा है बुक्स आपस में लड़ रही हैं बट क्लैशेज किसके बीच में है इट इज़ ऑल अबाउट द क्लैशेज किसके बारे में अबाउट द आइडियोलॉजीज ऑफ मॉडर्न्स एंड एशियंस कि मॉडर्न वाले एंशियंट वाले लड़ रहे हैं पॉलिटिकल टर्म्स में अगर आप बात करें तो क्या लड़ रहे हैं विग एंड टोरी लड़ रहे हैं सेकेंड जो इंसिडेंट है ठीक है इसी बुक में जो सेकेंड इंसिडेंट है उसमें ये दिखाया है स्पाइडर एंड बीज जो स्पाइडर है और बी है हांजी हरप्रीत ढिंडा जी सटायर है ठीक है मॉक है। भी है एलिग्री का मतलब वही होता है आपको दिखाने की कोशिश करा है एक है स्टोरी बट उसका पीछे कुछ और मतलब है मेटाफोरिकली कुछ और मतलब है एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी होती है तो जो स्पाइडर है वो बहुत ज्यादा कनिंग है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न को मॉडर्न्स कौन लोग हैं जो एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं बीज कौन है एंशियंट को सपोर्ट करती हैं लेकिन इसमें जो स्विफ्ट ने स्टैंड लिया है ना वो बीज के लिए लिया है इन्होंने कहा है जो स्पाइडर जैसे वेब बनाती है ना कोब वेब बोलते हैं उसको जो जाला बनाती है उसमें क्या करता है कि फंसाती है बीज जैसे लोग इसके अंदर फंस जाते हैं यानी कि जो सॉफ्ट हार्टेड और जो पोलाइट लोग होते हैं वो अक्सर तेज लोगों का शिकार बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या बताया है कि बहुत ज़्यादा विटी है कनिंग है क्लेवर है आप कोई भी इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हो बी जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है तो एंशंट लोग कैसे होते हैं स्वीट और कैसे उसने बताया उसने हनी का यूज़ किया है कि बहुत ही मीठे होते हैं कोई भी उनको टारगेट बना लेता है ठीक है तो बहुत बार ये पूछ लेता है कि स्पाइडर एंड बी का जो कॉन्सेप्ट है किस में यूज़ किया गया है ऑप्शन आपको वही देगा और इसी के वर्क देगा टेल ऑफ टब देगा द बैटल ऑफ द बुक्स दे देगा गलीवर ट्रैवल दे देगा या मॉडेस्ट प्रपोजल दे देगा अभी इन सबको हम डिस्कस करेंगे तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है कब आई थी ये 1704 में सेम ईयर में एक और वर्क आया था टेल ऑफ टब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना सेंट जेम्स की लाइब्रेरी के बारे में बात करता है ठीक है सेकंड वर्क है टेल ऑफ अ टब क्या है रिलीजियस सिंबल बताया है टेल मतलब कहानी ठीक है चार कैरेक्टर इसमें दिखाए एक है फादर एक है मार्टिन एक है जैक और एक है पीटर कुछ नहीं है पॉलिटिकल सटायर है प्लस रिलीजियस सटायर है इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है प्रोज अगेन 1704 में आया था प्रोज सटायर है ठीक है कि सटायर फॉर्म में लिखा गया है प्लस किस चीज पे सटायर है ये रिलीजन पे है रिलीजियस एलिगोरी भी बोलते हैं उसको और इसी वर्क से क्वीन एनी जो है इन पे शक करने लगी थी ठीक है कि ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है पहले ये विग था देन ये हमारी आइडियोलॉजी से सपोर्ट नहीं करता था यानी कि सिमिलर नहीं फील करता था तो इसने ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो विग से टोरी देन टोरी से फिर विग तो ये स्विच करते थे इस बुक का जो फ्रंट पेज है मतलब आप इंट्रोडक्शन कह सकते हो जो टेल ऑफ टब इन्होंने लिखी है प्रोज सटायर है ना तो प्रोज फॉर्म में लिखा गया है पोम तो हम नहीं बोलेंगे बुक है बेसिकली तो इसमें एक इन्होंने अपॉलोजी मेंशन की है अपोलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना एक तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग में ही माफ़ी मांग ली है क्योंकि ही वॉज इंटेंडेड टू अटैक इनका जो इंटेंशन था ना इन्होंने उस इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दिया है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल फील पथेटिक यू विल फील बैड अबाउट माय टेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन कि आप मेरे बारे में जो है वो ऐसी आइडियोलॉजी बनाओगे कि भाई मैं जो हूँ कहीं पे भी पॉलिटिकल टर्म्स पे स्टेबल नहीं करता क्योंकि मैंने क्या किया है मैंने तीन अलग अलग आइडियोलॉजीज के बारे में बताया है और मैंने क्या करा है कि जो रिलीजियन टर्म पे आप आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हो ना चाहे आप ये कहो मार्टिन लूथर किंग जैसे एलिजाबेथ ने क्या किया था एंग्लिकन चर्च को बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था ऑपोजिट कौन हो गया रोमन कैथोलिक कि एक जो है वो ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं दूसरे मॉडर्न को करते हैं एक क्राइस्ट की फिगर को पूजते हैं दूसरे होली स्क्रिप्चर्स को पूजा करते हैं तो तीन अलग अलग आइडियोलॉजी को इन्होंने बताया था हाँ जी रेणु जी इन्होंने अपने बारे में यही कहा था कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ मतलब मैं एक तरीके का जीनियस हूँ कि मेरे पास इतनी पावर है मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं इसके बारे में लिख पा रहा हूँ रीज़न क्या था जो भी पार्टी पावर में आती थी ना ये उसके साथ हो जाते थे अगर एक पार्टी में दस लोग हैं में से आठ लोग या सात लोग यानी कि सेवेंटी परसेंट रेशियो अगर स्विफ्ट को सपोर्ट कर रहा है तो क्या करते थे जो पॉलिटिकल पा पार्टी पावर में है ना तो कभी भी इनको जेल नहीं जाना पड़ा उसके चक्कर में क्योंकि ये स्विच करते थे हाँ अगर ये ऑपोजिशन पार्टी में रहते तो डेफिनेटली ये ले हंट की तरह या बाकी लोगों की तरह इनको पॉलिटिकल टर्म्स पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती तो ये इनके साथ बहुत एक अलग और डिफरेंट बात थी अपॉलिजी पहले मेंशन कर दी थी कि मैं जो हूं सटायर फॉर्म में आपको क्रिटिसाइज करने वाला हूं तभी से क्वीन एनी जो थी वो इनके पीछे पड़ गई थी ठीक है थोड़ी सी रेफरेंस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कैरेक्टर का पूछ लेता है पीटर जैक और मार्टिन एक है फादर स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होते हैं कि फादर जो है डेथ बेड पर हैं और अपना एक कोट देते हैं कोट दरअसल किस चीज का सिंबल है कोट रिलीजन का सिंबल है ठीक है और ये जो फादर हैं ये क्राइस्ट का सिंबल माना गया है कि क्राइस्ट ने अपनी लाइफ जो है मैनकाइंड के लिए यानी कि ह्यूमन काइंड के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया तो अब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने सन्स से इन तीनों से कि वो जो इनकी आइडियोलॉजी है ना उसको सस्टेन रखें लॉन्ग टाइम तक चले वो चीज तो पीटर को बताया है पीटर जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते हैं मार्टिन जो है वो मार्टिन लूथर किंग ठीक है मार्टिन लूथर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी उनके सपोर्ट में ही एंग्लिकन चर्च था तो ये एक तरीके से एंग्लिकन चर्च को सपोर्ट करते थे जैक जो थे वो कैल्विन कैल्विन की जो आइडियोलॉजी थी ना डिजेंटर्स बोलते हैं उनको जिसमें कैलविन की आइडियोलॉजी ये थी बेसिकली ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर तो वो ये कहते थे कि प्री डेस्टिनेशन एंड फ्रिल फ्री विल कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं ना अगर वो आज हो रही हैं तो आप ये समझो कि इट वॉज मैंट टू बी प्रिटेंडेड यानी कि होनी ही थी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है हम बहुत बार ऐसा बोल देते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी में अगर वो चीज़ है तो वो होके ही रहेगी हम थोड़ा उसको डिले ज़रूर कर सकते हैं बट होनी है तो होगी तो कैल्वनिस्ट जो थे यानी कि कैल्वनिज़्म बहुत ज़्यादा था इंग्लैंड में और आयरलैंड में साथ ही साथ इसका जो पोस्ट इम्पैक्ट था वो स्कॉटलैंड में भी देखने को मिला था ठीक है तो ये तीन से चार कैरेक्टर इनके वर्क में हैं नेक्स्ट वर्क इनका गुल्लीवर ट्रेवल्स गलीवर भी बोलते हैं बट बहुत सारी जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी गुल्लीवर आपको नाम सुनने को मिलेगा गलीवर ट्रेवल्स से पहले मैं स्टेला का जर्नल बता देती हूँ थर्ड जो हमें ध्यान रखना है ए जर्नल टू स्टेला जिसके बारे में जब स्टेला का जिक्र हुआ तो आप लोगों ने बताया Year, किसी को पता है तो बता दो ये जो जर्नल टू स्टेला था इसमें एस्थर जॉनसन ये जो एक तरीके से नीस आप बोल सकते हो इनको है ना सर टेंपल की सिस्टर की बेटी थी ये और ये बिलवड भी थी स्विफ्ट की कहा जाता है मैरिज uh, हुई थी बट ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं है सीक्रेटली मैरिज लिखा जाता है हाँ जी रेनू जी सेवनटीन स्विफ्ट जब चले गए थे दुनिया से तो सेवनटीन फोर्टी था वो ईयर लेकिन ये उनकी डेथ के बाद पॉस्थुम असली पब्लिश हुआ था ठीक है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेडिकेट किसको है किसका नाम इसमें मेंशन किया गया है किसके ऊपर लिखा है नाम में खुद ही उसने बता दिया टाइटल में और जनरल टू स्टेला स्टेला का नाम आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट जो इनका वर्क है हाँ जी सुखवीर जी सेवनटीन नेक्स्ट जो है वो एक पोम है इनकी कैडनूस एंड वेनेसा ठीक है ये जो पोम थी इनकी इसमें वेनेसा का जो कैरेक्टर था वो स्टेला था ठीक है स्टेला इन द सेंस ये निक नेम हो गया उसका कि स्टेला करके मिलती हैं ये ईस्टर जॉनसन के लिए ही लिखी गई थी अगर आप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे इसका टाइटल तो आपको 1713 मिलेगा 1712 में ही लिखी गई थी तो बहुत सारी जगह ऐसे करके भी रेफरेंस मिल जाती है पब्लिशिंग ईयर सेवनटीन था तो ये एक पोम है थोड़ा सा आइडिया इसका पढ़ लेना पोम है डेडिकेट किए स्टेला को नेक्स्ट वर्क इनका देख लेते हैं गुलेवर ट्रेवल्स फिफ्थ वर्क गुलेवर ट्रेवल्स ठीक है सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स से आएगी ईयर हाँ वही है इसके बारे में दो चीजें याद रखनी है पहला कि ये भी एक तरीके का सटायर ही है ठीक है ह्यूमन बीइंग्स को भी टारगेट किया है रिलीजन टर्म पर भी किया है प्लस जो ग्रीडिनेस है चाहे वो बिग की हो टोरी की हो यानी कि और ब्रॉड लेवल पे बोलूँ तो एंशिएंट के हो या मॉडर्न के हो तो उसको बताया है तो पॉलिटिकल सटायर भी है दूसरा हमें रेफरेंस मिलती है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये लिखी थी जॉन बैनन ने जो इनसे पहले थे ठीक है इनसे पहले वाली से पहली एज से वो बिलोंग करते थे तो स्विफ्ट ने इनको पढ़ा था यहां से जो इनका आइडिया था किया गिवर ट्रेवल्स में एलिग्री है यहीं लिख देती हूँ है ना बार बार क्या देखेंगे एलिग्री है कि कुछ दिखाना चाहते हैं और कोई स्टोरी के थ्रू आपको बताया है पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर है दोनों तरीके का है पॉलिटिकल मतलब काम की सेटिंग भी बताई है यहां लिख देती हूँ पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर गलेवर ट्रेवल्स के बारे में कहा जाता है बस एक चीज़ जो आपको इनमें याद रखनी पड़ेगी वो है सीक्वेंस ऑफ बुक्स गलेबा ट्रैवल्स की पूछ लेता है बहुत बार तो जो सीक्वेंस है ना बुक्स का कि चार बुक्स हैं किस किस के बारे में है पहली जो है वो लिलीपुट के बारे में है दूसरी जो है वो ब्रॉबडिंग नैक्स के बारे में है थर्ड जो है वो लपूटा के बारे में है फोर्थ जो है वो हो के बारे में है ठीक है तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लिलीपुट में क्या है कि ये छोटा मतलब सारे इससे छोटे कैरेक्टर हैं ब्रॉडिंग नैग में क्या होता है उल्टा ये वहाँ पे छोटा है बाकी सब इससे बड़े हैं लपूटा क्या है साइंस का सिंबल है फ्लोटिंग आइलैंड है ठीक है तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना हो क्या है कि ह्यूमन बींग्स की ग्रीडनेस के बारे में बताया है हॉर्सेस की फॉर्म में है ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन हॉर्स जैसे उनके हाफ ह्यूमन बींग हाफ हॉर्सेस ठीक है अब लास्ट वर्ड वर्क जो हमें इनका पढ़ना है वो है ए मॉडेस्ट प्रपोजल सेवेंटीन सेवनटीन ट्वेंटी एट की पहले मैं बात करती हूँ सेवनटीन ट्वेंटी एट में इन्होंने एक और चीज लिखी थी मतलब एक तरीके से जैसे जर्नल लिखा था ना जर्नल टू स्टेला ऐसे इन्होंने लिखा था डेथ ऑफ मिसेस जॉनसन ये भी थोड़ा सा प्लीज देख लेना डेथ ऑफ मिसेस जॉनसन ज्यादा इसको नहीं पढ़ना उसका रीजन यही है कि ये स्टेला को डेडिकेट किया है ये जो इनका वर्क है पोम ही है एक तरीके से वॉल्यूम्स में मिलेगी लेकिन ये नाइन या टेन वॉल्यूम्स हैं इसकी प्रीत गिल जी लपूटा थर्ड जो बुक थी ना उसमें लपूटा क्या था साइंस के बारे में बहुत ज्यादा वहां पे मेंशन किया गया है कि वहां के जो लोग हैं ना एस्ट्रोनॉमी मैथ्स ठीक है न, maths, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है चीजों की तो वो क्या था वो फ्लोटिंग आइलैंड है उड़ता हुआ शहर है इस आइलैंड पे वो बसा हुआ है साइंस की क्रिएटिविटी को बताया उसने भर भर के डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ठीक है मॉडर्न सिंबल उसको माना जाता है लपूटा को बुक नंबर थर्ड में है तो स्टेला को डेडिकेट किया है ये वर्क ये वर्क नंबर इनका फाइव हो गया एक तरीके से नेक्स्ट एंड लास्ट मॉडेस्ट प्रपोजल जो ये वाला जर्नल था 1728 में आया था अब जो ये मॉडेस्ट प्रपोजल जो एस है ठीक है बहुत इसका लेंदी सा नाम है नाम मैं पढ़ देती हूँ ए मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल इन आयरलैंड From being a burden on their parents or country and for making them beneficial to the public keh raha hai isme कह रहा है इसमें essay hai 1729 में आया था satirical ऐसे है कि जो लोग हमेशा political उसमें बिजी रहते हैं ना अपनी रिचेज को अर्न करने में अपने नाम को कमाने में अपने पैसे को कमाने में तो उनको कह रहा है कि जरा ना चिल्ड्रन की हालत देखो आयरलैंड में चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट है ना कि लोग मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ऐसे कामों में लेके जाते हैं मतलब ऐसे काम उनसे करवाते हैं जो उनको फिजिकली डैमेज करता है ठीक है ट्वेल्थ uh, क्लास की फ्लैमिंगो में एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग जिसमें वो बच्चा बैंगल्स वगैरह बनाता है ठीक है तो उसके बारे में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं हिंट देने की कोशिश की है चिमनी स्वीपर जो ब्लेक ने लिखी है चाहे वो इनसेंस की हो चाहे वो एक्सपीरियंस वाली हो कि फिजिकली जो हार्म पहुंचता है ह्यूमन बींग्स को उसके बारे में बात कर रहा है कह रहा है कि जो चिल्ड्रन हैं आयरलैंड में वो इतने भूखे हैं कि लोग क्या करते हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो इसके उसमें जो रिस्पॉन्स उसने दिया है तो दो लोगों को रिस्पॉन्स दिया है पहला जो सटायर इसने किया है वो इंग्लिश क्लास के ऊपर है ठीक है जो लैंडलॉर्ड्स है ना लैंडलॉर्ड्स मान लो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ मांग लो तो उनके ऊपर सटायर है दूसरा उनको क्या रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों पे ध्यान दो इनके रिगार्डिंग इनके फूड की रिगार्डिंग इनकी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है तो स्विफ्ट का ये मास्टर माना जाता है इसके थ्रू डिस्कस करता है मॉडर्न एंड कैथोलिक्स के बारे में मतलब आप ये समझ सकते हो कि मॉडर्न एंड एंशियंट हो गए एंड एंड प्रोटेस्टेंट हो हो गए विग हो गए विग ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे था तो रिलीजन था छोटी छोटी पार्टीज थी तो विग एंड टोरी थी जब वही रिलीजन में आया तो वो कैथलिक प्रोटेस्टेंट कहलाए ठीक है थीके? तो आज हमने जुनाथन स्विफ्ट को कवर कर लिया आज हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग को कवर कर लिया अब कल जो इनसे नेक्स्ट राइटर्स हैं उनको कवर करेंगे ये टाइम अगस्टन एज के लिए है 11 बजे वाला जो स्लॉट है वो विक्टोरियन के लिए है तो जितने भी वर्क यहाँ मैंने लिखे थे मेंशन किए थे चाहे वो गलीवर ट्रेवल्स हो बैटल ऑफ बुक्स हो टेल ऑफ टब हो या फिर अ जर्नल टू स्टेला हो या फिर ये मॉडेस्ट प्रपोजल हो ये सब आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी इनकी समरी प्लीज़ इसको पढ़ लेना इन केस कोई दिक्कत आए तो जस्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर देना जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं चैनल के अबाउट में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो वीडियो में अभी आपको नहीं मिलेगा मेरे को पेस्ट करने में टाइम लगेगा तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ठीक है अब मैं आपसे कल मिलूँगी ग्यारह बजे चार तारीख का यही स्लॉट है ग्यारह बजे मिलते हैं हम देन बारह बजे मिलते हैं पूरा दिन आपके पास है पढ़िए ठीक है और प्रिपेयर कीजिए